सारे पीना नहीं। कहाँ है? कलर का जो है न्यू हैंड बना हुआ है जो काफी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे होप करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो सोई थी, मेरा मॉर्निंग ही नहीं हुआ था क्योंकि देखिए यहाँ पे शिवू मुझे जगाया जा रहा था, मैं उठ ही नहीं रही थी। तो देखिए आप वीडियो में कैसे मैं सो रही थी। उठो, 6 बज रहा है। पिए भाई। उठो उठो सब लोग। कहे 8 बज रहा है। हाँ चाय पीना है? नहीं। चाय नहीं पीना है? कहे उठो जल्दी। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैं अभी तक सो ही रही थी और सीमू मुझे जगा ही जा रहा था क्योंकि देखिए मैं ना बहुत देर तक काम की थी तो इसके वजह से मैं सो ही रही थी क्योंकि मेरा नींद खुल ही नहीं रहा था। मैं 2 o'clock नियर अबाउट सोई थी। एंड यहाँ पे देखिए चीनी घर का खत्म हो चुका था, सीमू जा रहा था चीनी लाने के लिए। एंड भैया का दुकान है जस्ट बगल में ही, कुछ सामान अगर नॉर्मली घटता है तो मैं यहीं से लेती हूँ और मैं स्मार्ट बाजार से इकट्ठा सामान ले लेती हूँ। और ये भैया बहुत मतलब जो है बगल में ही दुकान है तो सारे सामान भी ये भी रखे रहते हैं। एंड यहाँ पे देखिए सीमू आ गया था चीनी लेने के लिए और ये जो है ना सुबह मॉर्निंग में चाय बनाने वाला है। तो देखिए अभी तक मैं सो ही रही थी। ओए उठो उठो, उठिए भाई। ओए उठो, नहाओ तो फिर चाय बनाए। और मेरा मॉर्निंग हो चुका है तो चलिए नहा आके फटाफट आपसे मिलते हैं। और इधर बाहर बच्चे काफ़ी शोर कर रहे हैं इसी वजह से थोड़ा सा वीडियो में बंद करूंगी, तो फिर आपसे नहा आके फटाफट बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज किचन में से इतनी आवाज़ आने वाली है ना कि आप सोच सकते हो, वॉइस लोग ऐसे ही करते हैं भाई। जो उनको काम अगर कुछ भी दे दो ना तो मतलब ऐसा लगता है कि सारे काम जो सर पे उठा रखे वही काम हम करेंगे तो कुछ भी कोई पता तक भी नहीं चलेगा कि हम काम कर रहे हैं। और इतना मतलब आवाज़ करके मैं क्या बताऊँ सुबह सुबह, मतलब फिर भी कोई बात नहीं, आज चाय जो है हमें दूसरे के हाथ से ही मिलने वाला है। और मॉर्निंग की चाय अगर किसी और से मिल जाए ना तो उसकी बात ही अलग हो जाती है। तो चलिए मिलते हैं, देखते हैं चाय वह बन जाता है तो फिर हम तब तक तो फटाफट रेडी होते हैं तो पीते हैं चाय और आपसे बात करते हैं। देख रहे हैं ना फ्रेंड, ये जितना बनाते नहीं उतना फैला के सारे सामान रखता मेरे किचन की वो हालत क्या है ना मैं क्या बताऊँ। अभी इसके चाय बनाने जैसे लगता है पूरा खाना बना चुका है, इतना ये मतलब क्या बताऊँ इतना फैला देता है। तो फिर आप देख ही सकते हैं कैसे बना रहा है। मैगी बनाएंगे, रोटी बन गया है। तो फिर बताओ उसको। महीने का 5000 रुपया लेते हैं, बनाइए। मेरे सब हमको महीने का 5000 खाना बनाने का दे रहे हैं। आज सब लोग नमो घाट चलेंगे, सब तैयार रहो। हाँ। मस्त से वहाँ घूमा जाएगा, बोट पे घूमा जाएगा। ठीक है ना? 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 ये पता, तुम ये बताओ तुम कितने लेजी हो कि तुमको सुबह से ही मैं जगा रही हूँ। तो क्या भाई, सर सुनिए सुनिए बताइए, आप भी जगाने की बात नहीं तो स्वयं खुद भी तो जग जाया करो, मेरे को जगाने से तो लागल देवी है। अब सब लोग तैयार हो, उसके बाद नमो घाट मिलते हैं सब लोग, ठीक है? अभी मैगी खाया जाएगा, सब कुछ खाया जाएगा, उसके बाद चला जाएगा, ठीक है? जल्दी करो, मैगी बनेगा, मैगी खा के सब लोग खा के बना के चला जाएगा नमो घाट, ठीक है? इसका बाल लग रहा है ना कि वो है यार, क्या बोलते ये, इसका बाल पता है क्या लग रहा है, वो मोटे मोटे भैंसों वाले बाल नहीं आते हैं जो घोड़ों के बाल होते हैं जिसके वो बनते हैं, जिसके रेशे से वो कपड़े वगैरह बनते हैं, इसका बाल ऐसा लग रहा है। देख के हमको लालच आ रही है। आ तुमको ही बताओ, तुम कहाँ से थक गए जो तुम मुझसे दबवा रहे हो? हैं तुम दबवा रहे हो, मारेंगे भी। बाल खोल के नहीं जाओगे तुम लोग, लड़ भीग मर जाओगे सब लोग। ए बाबू जाना ना तो घर से चावल लेते आना और मेरा स्टेट वाली मशीन छूटी है, लेते आना सही बात है। कृष्ण भगवान कहे हारे थे लड़ाई जान गए। रुपनी
इतना लेट तैयार हुई थी इसीलिए। इंजन चली कैसा इंजन समझे नहीं। चलो यार दिल्ली में ऐसे ही काम होता है बाबू, बाहर ऐसे ही काम होता है, आधा दिन आधा दिन नहीं होता। कंपनी में मार के चलेंगे, रूम में मार के चलेंगे, सारे जगह पे मार के चलेंगे। लाला से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, जब कोई आ गया हमारा सारा सामान जब्त कर लिया तो मैं क्या करूँगी। वैसे स्लीपर पैक में बहुत मजा आता है मूवी देखने में, क्योंकि मतलब एकदम कम्फर्ट। मेरा स्लीपर ये सर्वेंद्र पहना है। किचन में काहे मार रही हो? मारेंगे, ताला का प्रयोग भी होना चाहिए। जब दो ताला हमारे पास हो तो मैं उसका यूज करूं। सो गाइस फैमिली आ गए हैं, हम लोग जा रहे हैं, चलिए चलते हैं। मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ यार। आज का कोई काम ही नहीं है क्या? उसको ढक के रख दो। कहाँ पे डोलची था? वो वैसे ही था, वैसे ही था। हाँ वैसे ही। चलो जल्दी से फटाफट। किसमें? सो गाइस आज हम लोग के पास एक रुपया नहीं है, आज हम 5 रुपये में सबसे यहाँ बनारस का चीज खाएंगे। और चलिए आपको 5 रुपये में कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। 5 रुपये में 5 रुपये में क्या करेंगे? तो गाइस हम नमो घाट के लिए निकल चुके हैं, और आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि टाइम बहुत हो चुकी है क्योंकि 10 बजे क्लोज हो जाता है, तो हमारे पास बस आधे घंटे का टाइम है क्योंकि हम और जगह पे भी घूमने लगे हैं। तो देखिए हम जा रहे हैं, और ये इतना प्यारा रोड लगता है ना, जब नमो घाट के करीब में जैसे आप जाएंगे ना वैसे एकदम जंगल टाइप में लगता है, बट आपको नाइट में ये प्यारा व्यू दिखेगा, दिन में थोड़ा सा इतना नहीं लगता है। तो चलिए आपको नमो घाट पे मिलते हैं और सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं कि हम नाइट में आए हुए हैं नमो घाट पे, और कितना प्यारा मेरे पीछे का बैक लुक आ रहा है, लोकेशन आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नाइट में राजघाट आई हूँ, नमो घाट, जिसको नमो घाट से हम जानते हैं। देखिए कितना प्यारा, और ये जो है ये मैं दिखा रही हूँ न्यू हैंड बना हुआ है अभी, इसके पहले मैं दिखाई थी तो आप देखो ये गोल्ड कलर का जो है न्यू हैंड बना हुआ है, जो काफी प्यारा लग रहा है। और थोड़े बहुत जो है चलो, तो देखिए कितना प्यारा लग रहा था नाइट का व्यू। आप जब भी घूमने यहाँ पे आना ना, तो आप 8 o'clock के नियर अबाउट रुकना, तभी आपको यहाँ का व्यू का पता चलेगा, और नाइट में ही काफ़ी प्यारा लगता है। तो हमारी टाइमिंग हो चुकी थी, गार्ड बाहर करने लगे थे क्योंकि सारी लाइटें ऑफ हो चुकी थी, तो हम अब निकलते क्योंकि ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते। बहुत देर वैसे भी हम करके यहाँ पे आए हैं, तो आधा घंटा हमने टाइम स्पेंड किया और बहुत प्यारा व्यू आ रहा है। और ये जो है ना, मतलब शूट वूट के लिए काफ़ी प्यारा प्यारी जगह भी है आप देखो, और ये क्लोज होने जा रहे हैं, बंद होने जा रहे हैं, तो अब हम वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।